दीदी मेरी अपने माय के दीदी के पांच चीजी मत लियो रे। हाँ, हमारी माताएं बहना ध्यान देंगी गाने की तरफ, सभी नौजवान भाई ध्यान देंगे कि जो हमारी माताएं बहनाएं अपने पीहर से अपने मायके से ये पांच वस्तुएं लाती हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी रहती है, कभी सुख और शांति नहीं रह सकती। तो ये कौन कौन सी पांच चीजें हैं तो आइए ध्यान देंगे, एक एक वस्तु पर ध्यान देंगी हमारी माताएं बहनाएं कि तुम्हें अपने मायके से क्या लाना चाहिए शादी के बाद और क्या नहीं लाना चाहिए। तो देखेंगे गाने के बारे में। पहनाए अपने मायके देख पांच चीजें मत लियो रे। बहुत सी बिटियां अपने माता पिता की बहुत लाडली होती हैं तो मैया रख देती है कि ले बेटी ये ले जाओ वो ले जाओ, लेकिन क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए। तो पहली वस्तु क्या है ध्यान देंगे, ले मती आईओ या चारुआ माको। हमारी माताएं बहने आम का अचार अपने मायके से कभी नहीं ससुराल में लाना चाहिए, क्यों क्यों नहीं लाना चाहिए ये भी बताएंगे कि देखिए आम खट्टा होता है, अगर आप अपने साथ में खटाई लेकर के चलोगी तो तुम्हारे पति और पत्नी के जीवन में हमेशा खटाई बनी रहेगी, इसलिए तुम्हें आम का अचार अपने मायके से नहीं लाना है। और ध्यान देंगे गाने की तरह, अरे ले मती आईओ या चारुआ माको। घर में फेरू बिगड़ जैदा माको। और दूसरी वस्तु ध्यान देंगे, आम का अचार पहला हो गया, आम का अचार नहीं लाना चाहिए। और दूसरी वस्तु क्या है बड़े गौर से सुनेंगी हमारी माताएं बहनाएं, मेरा चना लाइयो पिसी पिसाई। जो हमारी माताएं बहन अपने मायके से लाल मिर्च लाती है सूखी हुई या पिसी हुई, कैसे भी मिर्च नहीं लानी चाहिए, क्यों मिर्च बहुत तेज होती है तो तुम्हें अपनी सास और ननद मिर्च के समान लगती रहेगी, कभी जीवन में तुम्हारे में मिठास नहीं आएगा। इसलिए मैं माता बहनों से अनुरोध करूंगा कि अपने मायके से ये पिसी हुई मिर्च या लाल मिर्च न लाएं, बाकी वस्तु सब लाएं। और क्या क्या लाना है और क्या क्या नहीं लाना है वो हम पांच चीजें आपको बताएंगे। मेरा जना लाइयो पिसी
और तीसरी वस्तु पर ध्यान देंगे। तीसरी वस्तु क्या है, ये ससुराल में कभी लानी नहीं चाहिए माता बहनों को। तो सुनेंगे, माते लाइयो तुम के सको चूला, न्यारे गैस चूल्हा। ध्यान देंगे माता बहनाएं, अपने मायके से कभी गैस चूल्हा नहीं लाना चाहिए। क्यों, अगर तुम गैस चूल्हा लेकर के घर आएंगी तो न मालूम कब न्यारे है जाओ, धौंस गैस चूल्हा की रहेगी और पति को न मालूम कब न्यारे है जाए, न्यारे की धौंस हमेशा दोगी। इसलिए अपने मायके से कभी गैस चूल्हा मत लाना। और सुनना बहना, अरे मत लाइयो तुम के सको चूला, न्यारे जई भोरई दुल्हा, ओ पेना घर की बिगड़ जई सुमति और चौथी वस्तु क्या है, बड़े गौर से सुनेंगी हमारी माताएं बहनाएं। बिना भाई ये रोज बुलावे, अपने भैया को महीने में चार बार बुला लेती है तो यूं ना समझे कि हमारा भैया बड़ा हमसे प्यार करता है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले में तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। समझ लो क्यों हो जाएगी, आप तो समझदार हो, समझाने की जरूरत नहीं है। बिना भैये रोज बुलावे, बिना की कदर घट जावे, अगर घर में कोई परेशानी है तो बुला सकती हो, अंतर रोज नहीं बुलाना चाहिए अपना भाई। बिना तीजयो बता रहे हैं, बड़े प्रेम से सुनेंगी, बड़े ध्यान से सुनेंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गरुड़ पुराण कह रहा है। और ये पांचवी वस्तु क्या है, मायके से कभी धारदार चाकू या छुरी लोहे की अपने सासुरे में बहना माताओं को कभी नहीं लानी चाहिए। सुनिए, ले मत आइयो चाकू छुरिया, पातत पे
कभी नहीं लानी चाहिए। ये चाकू है, छुरी है, ये लोहे की चीज ससुराल से कभी ना लाएं। मायके से सॉरी माफ करेंगे। ले मत आइयो चाकू छुरिया, बख्त पहली उतर जाए छुरिया। अगर हमारी बात अगर झूठ लग रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और सही है तो सही है, अगर झूठ मानती हो तो मैं इसका प्रमाण आपको दे दूंगा अगले गाने में। तब तक के लिए भैया इतना ही, देखेंगे गाने को रोशनी यादव स्टूडियो के सौजन से। गाय को ही आपके दिल में निवास करने वाले नरेश खटाना जी। तो ऐसे ही नए नए गाने सुनते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी यादव पर। और हम पर अगर कोई गलती हो जाती है तो भाभी अपना देवर समझ के माफ करेंगी, और बहनाएं अपना भाई समझ के माफ करेंगी, और हमारी मैया हमें अपना बेटा समझ के माफ कर देना, और भाई बंधु अपना दास समझ के माफ करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही।